लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग्स। और भाई साहब आंखें नहीं खुल पा रही हैं क्योंकि धूप हो रही है बाहर। यस देखो धूप हो रही है बाहर तो भैया आंखें खोलने में परेशानी हो रही है। तो वैसे आज है 12th of August 2020 एंड आज का दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही मतलब प्यार भरा आज दिन है क्योंकि आज है भैया जन्माष्टमी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मेरे पीछे कपड़ा देखते हुए आपको समझ में आई गया हो कि भैया दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टायरिंग होने वाला है। वैसे यूजली ऐसा कि ये कपड़ा नहीं रहता है, आज इसलिए है क्योंकि भैया आज मुझे यार रूम शिफ्ट करना है। तो अगर रूम शिफ्ट करना है तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आज छुट्टी है तो कर भी लेंगे, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं। अब अगर इतना करेंगे तो भैया उसके लिए एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट चाहिए होगा ना, ताकि पेट में जो है एनर्जी बनी रहे और कुछ बॉडी वर्क करे। तो भैया उस एनर्जी को लेने के लिए हमारे पास क्या क्या, तीन केले हैं, एक अनार है और 2 गिलास दूध है। ये बहुत छोटा सा, ये बहुत पिद्दी सा गिलास है, इसमें बस एक्स्ट्रा दूध हुआ था तो इसके अंदर रख लिया। और बॉर्नवीटा है हमारे, इसके अंदर शुगर है। और ये रहा अपना चाकू जिससे अभी इसको काटेंगे। और बाय द वे एक बात बताऊं तुम्हें, और बाय द वे आप लोगों को एक बात बताऊं, ये चाकू मैंने पकड़ लिया, ये मैंने अनार भी मैंने देखो पकड़ लिया, लेकिन मैंने आज तक भाई साहब ये काटा नहीं है। सो लेट्स ट्राई, अगर कुछ होता है। हाँ फोन से मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि भैया कैमरा की बैटरी हो गई भैया डिस्चार्ज। तो मतलब ये ना ये कैसे करते हैं मुझे आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। तो लेट्स डू इट, देखते हैं। ये देखो ये जब हम अकेले रहते हैं लाइटिंग ठीक है, परफेक्ट। एज ए ह्यूमन बींग ये चीज़ें हमें आनी चाहिए बट नहीं आती। अब पता है इसमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि यार अगर ऐसे काटते हैं तो वो जो दाने होते हैं ना वो टूटने के या फिर कटने के उनका डर रहता है, और अगर ऐसे नहीं काटेंगे तो फिर कैसे काटेंगे। रुको एक और आइडिया है, इसको ना इसको ऐसे करके काट के देखते हैं। लेट्स डू इट, देखो देखो ये है यही पंगे होते हैं मेरे से, कट ही नहीं पाता भाई। अभी क्या किया जाए इसको यार समझ में नहीं आ रहा। ओ रुको रुको रुको, इसको छिलके को ना छीलने की ट्राई करते हैं हम, लेकिन ये यार कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि पहली नाकामयाबी हमारे यहाँ पे आ गई। ये देखो ये कट के आया है सी। मैं पता है मैं केवल इसी वजह से मैं भाई साहब मैं अनार नहीं लेके आता हूँ क्योंकि छीलना नहीं आता अपने को। अबे यार देख रहा हूँ ये देखो ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ये मेरे साथ में। अबे यार ऐसे तो भाई पूरा दिन लग जाएगा मुझे छीलते हुए। रुको कटा 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 कटा, जुगाड़ मिला थोड़ा सा मिला, कट रही। ओह अबे यार पनौती लग गई साला। ये देखो पूरा कट रहा था यहाँ से फिर ये कटना चालू। ये इतना वाला सेक्शन एकदम परफेक्ट भाई साहब कट के आ जाता, लेकिन नहीं ये भी फिर से कटा। मतलब उम्मीद है हम उम्मीद नहीं आ रहे आखिरी दम तक। हम इंजीनियर हैं, हम कुछ ना कुछ हम इलाज बांधेंगे इसका, हम कुछ ना कुछ हम इसका करेंगे। रुको ओ ओ ओ ओ भाई आई नो ये रिस्की था। अब ऐसा ना देखो ये कमेंट करने की नहीं हो रही, छी इसी से खा रहे हो और इसी से काट रहे हो तो ऐसा है अकेला रहता हूँ जो भी खाओ खुद ही खाओ, ठीक है खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। ये क्या हो गया भैया, खुद ही बनाओ खाओ। तो भैया ऐसा है ना ज़्यादा मन ना गालियाँ वालियाँ देने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। तो काम करता हूँ पहले मैं इसको पूरा एकदम छील लेता हूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों से मिलता हूँ। बाय यार इतना टाइम हो गया अभी भी फिगर आउट नहीं हो पा रहा है। अभी देखो पहले इतना था केवल, अभी इतना और कट कर लिया है। हाँ ये अभी भी ये वाला पोर्शन रह गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा साला। मुझे पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने फालतू में लेके आ गया, नहीं लेके आना चाहिए था यार। भाई जिस चीज़ को आता है ना कमेंट करके बताओ तुम्हें आता है छीलना, और तुम्हें अगर आता है ना भाई तुम लेजेंड, तुम पूरे शेफ हो, तुम मास्टर शेफ हो। ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, इंडिया का आता है, जो भी आता है। इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड कौन सा फ्रूट होता है बे। मिल गया जुगाड़ मिल गया। मैंने अबे यार इसको इधर रखो। हाँ इसको मैंने ऐसे करके बीच में से मैंने इसको फाड़ा और ऐसे करके 2 टुकड़ों में कर लिया। तो अभी इसके अंदर के जो है दाने निकाल लूँगा, समझे नहीं समझे। इधर देखो तुम ये ऐसे करके ये पूरा तोड़ लिया ना, देखो ये इतना हो गया। तो अभी ये वाले दाने तो बाहर आ ही सकते हैं आराम से। आ जाओ बे आ जाओ। हाँ ये आ रहा देखो। मैंने क्या बोला था भाई, इंजीनियर है जुगाड़ कुछ ना कुछ हम निकालेंगे। भाई इंजीनियर कुछ भी कर सकता मैं बता रहा हूँ। भाई साहब पहली सक्सेस भाई कसम। मज़ा ही आ गया इतनी देर के बाद में फाइनली 2 घंटे की मशक्कत के बाद में हमारे पास में ये हो गया रेडी। और अभी इतना अनार बचा है, इतने बे यार एक और गिर गया, इतने दाने अभी हैं। तो इसको भी अब हम जो है ना उसी से करेंगे, उसी तरीके से अब हम इसको दोबारा से करेंगे। मतलब देखो यार टाइम लगता है सीखने में, बट अभी ना ये वाला तरीका तो मैं नहीं आता होगा मैं बता रहा हूँ। और ये पता है ये मैं काला आ रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये कैमरा अपने आप ऑटो एडजस्ट कर रहा है पूरा ISO, और तो
मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फ़ोन का कैमरा है, DSLR नहीं है, DSLR मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ है। अनार काट के हो गया भैया, अब काटेंगे अपन केले, और केले भी मिलाएंगे उसके बाद में कुछ और भी मिलाएंगे, मस्त एकदम ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ, सेक्सी वाला बनाएंगे। तो हाँ ये लो भैया जी, तो देखो अभी हो गया सिस्टम क्या हो गया, इसमें हो गए 2 केले और अनार हो गया, अभी इसके बाद में इसके अंदर और कुछ मिक्स करते हैं। रुको अभी एक और चीज़ है जो मिक्स करेंगे, ये समझ जाओ, नहीं समझे तो मैं दिखाते हैं, रुको। अरे बाप रे, सुनो भाई, ये है अपनी देखो भैया देसी वाली नमकीन। हाँ ये तुम अगर हल्दीराम जाओगे, कहीं भी जाओगे, कहीं से भी ये वाली नमकीन नहीं मिलेगी, आई कैन बेट ऑन दिस। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर मिलाऊं या ना मिलाऊं। तुम लोग सोच रहे हो सलाह क्या भाग्या इंसान है बे, फ्रूट्स के ऊपर नमकीन कौन मिलाता है। एक काम करता हूँ, रहने ही देता हूँ, छोड़ो भाई, सही में क्या ही बेवकूफ़ी करता हूँ मैं। ये देखो, मतलब मैं गया था धोने के लिए इसलिए ताकि गिलास साफ हो जाएगा और मैं नमकीन निकाल पाऊंगा, गीला करके बैठ गया हूँ, पाप लगे मुझे सलाह। कुछ नहीं हो सकता मेरा, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, I am done with myself. I am telling you, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। एक स्पून काफ़ी है भैया इसके अंदर, ये यस एक स्पून काफ़ी है। एंड इस वाले गिलास के अंदर हम मिलाएंगे भैया कॉफ़ी का पैकेट, जो कि 2 रुपये वाला काफ़ी होता है एक गिलास के लिए, मतलब मेरे लिए काफ़ी होता है, बाकियों का सबका अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि भैया कोई स्ट्रॉन्ग पीता, कोई लाइट पीता, कोई पीता ही नहीं है, कोई केवल चाय पीता है और कोई कुछ भी नहीं पीता है। हाँ ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में जो चाय कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी नहीं पीते। अभी निकल जा, हो गया भाई एक नंबर। अबे यार भूल गया, आज तो जन्माष्टमी है ना, तो चलो कोई बात नहीं, भगवान देखो माफ़ करना, पहला भोग मैंने ले लिया, बाकी का ये वाला आप ले लो। हाँ आप लोग खाओगे, आप भी ले लो, भगवान भी ले लो। हाँ तो चलो, जय हो जय श्री कृष्ण। बाकी का आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नए एपिसोड के साथ में। इफ़ यू थिंक दिस इज वर्थ शेयरिंग देन प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ डिडंट देन हिट द डिसलाइक बटन, एंड गिव मी योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय, पीस। ओह फक, शिट मैन, आंख में लग गया, बाय।